यश की अगली फिल्म टॉक्सिक में काम करेंगे शाहरुख खान। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें थी कि शाहरुख खान और यश एक फिल्म में काम कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि शाहरुख की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एक बड़ी फिल्म प्लान कर रही है, इसमें ये दोनों स्टार्स आ सकते हैं। मगर मामला उल्टा है, यश शाहरुख खान की फिल्म में नहीं बल्कि शाहरुख खान यश की फिल्म में काम कर सकते हैं। यश की अगली फिल्म टॉक्सिक के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया गया है। शाहरुख खान को रूटीन कैमियो के लिए संपर्क नहीं किया गया है, यानी ये ऐसा रोल नहीं है जिसे मार्केटिंग के मकसद से फिल्म में रखा गया है। ये एक पावरफुल रोल है जो किसी सुपरस्टार पर ही सूट करेगा। ऐसे में टॉक्सिक के मेकर्स ने शाहरुख को अप्रोच किया है, ये एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस होगा। मेकर्स उम्मीद कर रहे हैं कि शाहरुख खान उनकी फिल्म के लिए मान जाएं। शाहरुख खान टॉक्सिक को लेकर अपना फैसला अगले 15 दिनों में बताएंगे। ये पहला मौका नहीं है जब शाहरुख खान को किसी पैन इंडिया फिल्म में गेस्ट रोल ऑफर किया गया है। पिछले दिनों लोकेश कनगराज ने रजनीकांत की फिल्म थलेवर 1971 के लिए शाहरुख से बातचीत की थी। ये ऐसा रोल था जिस पर आगे चलकर स्टैंड अलोन फिल्म भी बनाई जा सकती है, मगर शाहरुख ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। शाहरुख ने उस फिल्म में काम करने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वो कुछ दिनों तक कैमियो या गेस्ट रोल नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी अभी उन्होंने सलमान खान की टाइगर 3 में गेस्ट अपीयरेंस किया है। उसके बाद वो अपनी बिटिया सुहाना खान के साथ द किंग नाम की फिल्म कर रहे थे, इसीलिए अभी वो उन्हीं फिल्मों में काम करना चाहते हैं जिसमें वो लीड रोल में हों। हालांकि अब चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि द किंग को डिब्बा बंद किए जाने की खबरें चल रही हैं। अगले कुछ दिनों में ये फैसला लिया जाएगा कि द किंग बनेगी या नहीं। टंकी के बाद शाहरुख की अगली फिल्म कौन सी होने वाली है ये भी अभी तक तय नहीं है। हालांकि शाहरुख देश के कई डायरेक्टर से बातचीत कर रहे हैं जिसमें राज एंड डीके, फराह खान, कबीर खान और सिद्धार्थ आनंद का नाम बताया जा रहा है। राज एंड डीके शाहरुख खान को लेकर एक स्टाइलिश थ्रिलर बनाना चाहते हैं, वहीं फराह खान एक मल्टी स्टारर एंटरटेनर प्लान कर रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद के साथ टाइगर वर्सेस पठान को लेकर चर्चा चल रही है, मगर शाहरुख और कबीर जिस प्रोजेक्ट पर साथ आएंगे ये अभी पता नहीं।